आपको बता दें आज का ये उपाय। समस्या चाहे कैसी भी हो, हर समस्या का समाधान बिना समय गवाए तुरंत कॉल करें। किसी स्त्री की तस्वीर के प्रयोग से आप उसका वशीकरण कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक भैरवी चक्र, देवी चक्र बनाना होगा। रात के 12 बजे के समय एक साफ कमरे में आसन लगाकर बैठ जाएं। अपने सामने उस स्त्री या लड़की की तस्वीर रखें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। इसके बाद जमीन पर गेहूं के आटे या चावल के आटे से भैरवी चक्र बनाएं। घी का दीपक जलाएं और उसको सिंदूर से तिलक करें। पूजा पूरी करें और साथ ही इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र है क्लीम हीम एम चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र का जाप 108 बार करना होगा। इस पूरे फोटो द्वारा वशीकरण मंत्र के उपाय को लगातार 21 दिनों तक करें। इससे आपको अपने प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार के वशीकरण को आपको मनोबल से ही करना होगा। अगर आपका मनोबल मजबूत है, आपका संकल्प दमदार है, तो आप आसानी से किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। तस्वीर से वशीकरण करने के लिए दुर्गा सप्तशती मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र है ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाया प्रयाक्षति। इस मंत्र का जाप माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने करें। माँ की तस्वीर के पास जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं उसकी तस्वीर रखें। इस मंत्र का एकाग्रता पूर्वक 108 बार रोजाना जप करें एक सप्ताह तक। समस्या चाहे कैसी भी हो, हर समस्या का समाधान घर में पति पत्नी का प्रेम पूर्वक रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, घर में अगर किसी भी कारण पति पत्नी में विवाद हो जाए, कलह हो जाए, तो गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बने रहे इसके लिए ये उपाय करें। किसी शुक्रवार के दिन एक छोटी शीशी में थोड़ा सा शहद डाल दें। आप अगर पति पत्नी में से जिसे भी वश में करना चाहते हैं उसकी एक छोटी फोटो को शीशी के अंदर रखें। अब इस शीशी को अपने बिस्तर के नीचे छुपाकर रख दें। सरल से प्रयोग से पति पत्नी का वशीकरण किया जा सकता है, यानी कि पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को वश में कर सकती है। इस टोटके का अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। प्यार और विश्वास की डोर मजबूत होगी। समस्या चाहे कैसी भी हो, तुरंत कांटेक्ट करें पंडित रघुनाथ जी को। उनका नंबर है +91 8290 788 476।